हेलो दोस्तों, देख सकते हो हमने ई मुद्रा लोन जो कि 50,000 रुपये का जो प्रधानमंत्री का जो योजना है वहाँ से हमने लोन अप्लाई किया और कुछ ही सेकंड में हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो आज ही हमने अप्लाई किया, बस 10 मिनट या 15 मिनट हमको लगा जो कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसका कुछ जो कि टर्म एंड कंडीशन था उसे हमने कर दिया। तो हम इस वीडियो में आज किस तरह से हमने अप्लाई किया और किस तरह से हमारा लोन अप्रूव हुआ, आप भी किस तरह से लोन ले सकते हो उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। कहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ेगा, बस आपका मोबाइल में ही आप अप्लाई कर पाओगे। कुछ ही मिनट लगेगा, उसके बाद कुछ ही एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कुछ ही सेकंड में आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको सच्ची में आपको लोन की ज़रूरत है तो आप ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। और एक बार दोस्तों, आपका दोस्तों को भी ज़रूरत है लोन का तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो भी देख के स्टेप बाय स्टेप जो कि अप्लाई कर पाए। और एक बार दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको जो कि क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ई मुद्रा लिख के, SBI ई मुद्रा लिख के आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का OTP आएगा। 4 डिजिट का OTP आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है 4 डिजिट का OTP, जो कि हमारा आ गया है। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 4 डिजिट का जो कि टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाना है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट नंबर या करंट अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद नीचे आपका जो जितना भी लोन चाहिए उतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का लोडिंग होगा, देख सकते हो डिस्प्ले पर इस तरह का लोडिंग होगा और आपका जो कि नेक्स्ट पेज है ओपन होके आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपका जो कि पान नंबर वहाँ पर शो करेगा, देख सकते हो। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। तो चलिए हमने हाई स्कूल का हमने सिलेक्ट कर दिया, देख सकते हो हाई स्कूल का हमने सिलेक्ट कर दिया। तो चलिए तुम भी आप भी करना चाहते हो तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो कि कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाना है और सेल्फ और सपोज पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो हाउस ओनरशिप पर सेल्फ और सपोज पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना है वो वहाँ पर आपको लिख लेना है, टाइप कर लेना है कि आप मंथली में कितना 10,000 5,000 जितना भी कमाते हो वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आपका फैमिली में कितना मेंबर हो वो यहाँ पर टाइप करना है, 1 2 3 जितना भी हो वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। मेरा एक है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक लिख लिया, जितना दे सकते हो अपना मर्जी से। उसके बाद आपका जो कि हिंदी शेड्यूल जो कि OBC होता है, जो भी होता है आप जिस भी कास्ट के हो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मुसलमान हो, जो भी हो, इस्लाम हो, जो भी हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं तो हिंदू शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू शेड्यूल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे आना है सोशल कैटेगरी में जो कि वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप सोशल कैटेगरी पर आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी पर आपको आना है और वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो सबमिट पर क्लिक कर ले, प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको बिजनेस नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है, आपका बिजनेस नेम क्या है। चलिए हमारा बिजनेस नेम यहाँ पर आप हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बिजनेस नेम टाइप कर लेने के बाद देख सकते हो जो कि हमने बिजनेस नेम टाइप कर दिया। उसके बाद आपको नीचे बिजनेस स्टार्ट डेट आपको देना है, किसी और से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो यहाँ पर दे देना है, जो भी देना चाहते हो वहाँ पर दे देना है स्टार्ट डेट। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ द ट्रेड, यहाँ पर आप कितने ईयर से एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अदर लेस देन 1 ईयर का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी जितने ईयर का हो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एक्सपीरियंस। उसके बाद नीचे आ जाना है और बिजनेस एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है, आपका पिन कोड डाल देना है वहाँ पर टाइप कर लेना है। एड्रेस लाइन 1 पर आपका गांव नेम, पंचायत नेम जो भी है वहाँ पर दे देना है। बिजनेस एड्रेस नेम हमने टाइप कर दिया, देख सकते हो
इस तरह से आपको भी टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप कर लेने के बाद दो नंबर ऑप्शन पे भी आपको वही अपना ब्लॉक जो भी होता है पोस्ट ऑफिस ये कुछ सबको वहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। उस तरह से आपको फिल कर लेना है। टाइप कर लेने के बाद आपको नीचे आपका जो कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होके आ जाएगा, स्टेट भी सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी सर्विस है वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप कौन कौन से काम करते हो जो भी आपको करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्विस मैन्युफैक्चरिंग लिखा गया है। वो जो भी सर्विस में आप क्लिक कर सकते हो, मैं भी सर्विस में क्लिक किया तो आप भी कर सकते हो। उस पर आपको डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी पर आ जाना है। मिनिमम 150 करेक्चर में आपको स्पेशल करेक्चर में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका एक्टिविटी क्या है और कैसे एक्टिविटी रहते हो, उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर एक्टिविटी पर लिख लेना है क्या करते हो, क्या एक्टिव रहते हो। उस तरह से आपको लिख लेने के बाद आपको जो कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पर देख सकते हो ओन रेंट बिजनेस प्रॉमिस जो कि यहाँ पर आ जाना है। और आप रेंट में जो बिजनेस करते हो, जो दुकान देते हो, वो रेंट में लिया है या आप खुद का है, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा खुद का है तो मैंने यस पर सिलेक्ट कर लिया और ऑन पर मैंने टिक कर लिया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जो कि यहाँ पर देख सकते हो येस और नो पर। नो में जो कि गवर्नमेंट का अथॉरिटी जो कि कुछ भी गवर्नमेंट का आपके पास है या देख सकते हो आधार का जो म्यूनसिपलिटी लाइसेंस जो भी दिया गया है वहाँ पर आपको येस कर लेना है। उसके बाद आपको बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल्स पर आपको चले आना है। आपका जो कि एक मंथ में वन मंथली में आप कितना सेल्स करते हो वो वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। जितना भी सेल्स होता है वो आप यहाँ पर दे सकते हो आपके खुद के पास से। मैंने दे दिया 30,000 रुपये, मैंने एक मंथली में सेल्स करता हूँ। तो आप भी जितना देना चाहते हो, आप जितना सेल होता है वहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एनुअल सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस SB अकाउंट। तो आपका जो कि सेल्स होने के बाद कितना क्रेडिट होता है आपका अकाउंट में वो वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है नीचे। चलिए पहले हम ऊपर वाला का टाइप कर लेते हैं जो कि मंथली एवरेज सेल्स का, उसके बाद नीचे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा जो कि क्रेडिट होता है मंथली में 1 लाख, तो मैंने 1 लाख का मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो आपको भी जितना होता है क्रेडिट उतना यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपका जो कि यहाँ पर बिजनेस अकाउंट नंबर शो होगा आपका, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है नीचे आके। तो कुछ इस तरह का आपको लोडिंग होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज खोल के आ जाएगा इस तरह से लोडिंग लिख के। तो देख सकते हो कुछ लोडिंग पर अभी है, प्रोसेसिंग पर। उसके बाद आपको पेज खोल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैग नहीं करना है, थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो देख सकते हो कुछ लोडिंग होगा होगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कि शो हो गया है। यहाँ पर अपना जो कि लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ देख लेना है जो कि हमारा EMI मंथली 1128 रुपये पड़ेगा और यहाँ पर आपको 9.5% का इंटरेस्ट लगेगा। लोन अमाउंट 50,000 है और हमारा जो कि 60 मंथ तक हमको ये EMI चुकाना पड़ेगा। तो देख सकते हो इस तरह। उसके बाद आपको वहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर टिक मार आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पर आपको क्लिक कर लेना है। ई साइन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ आई एग्री का EKYC का मांगेगा, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का और लोडिंग होगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। आपको बस यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर कुछ शो होगा, जूम भी कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल शो हो जाएगा जो कि मुद्रा का जो कि साइड में जो कि टर्म एंड कंडीशन है, क्या उसमें चार्ज लगेगा नहीं, उस तरीके का कुछ शो होगा। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अदरवाइज या तो छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ अदर वेजिट सिग्नेचर पैनल कुछ शो हो रहा है। यहाँ पर आपका जो कि रिमार्क पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर अपना जो भी रिमार्क देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो।
या तो अदर यहाँ पर आपको इस साइन पर आपको लिखना चाहते हो लिख देना, उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद क्लिक कर लेने के बाद अदर वेजिट सिग्नेचर पैनल शो हो जाएगा। यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है NSDL का, जिस कार्ड भी आपका पैन कार्ड होगा वहाँ पर शो हो जाएगा, UTI NSDL जो भी है। उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल ID और आधार कार्ड नंबर में आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप कर लेने के बाद आपको सेंड OTP पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का लोडिंग होगा, यहाँ पर आपका जो कि आधार के द्वारा एक भेजा गया OTP आएगा, यहाँ पर वो OTP यहाँ पर टाइप कर लेना है, डाल देना है। उसके बाद आपको टाइप कर लेने के बाद आपको वहाँ पर वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा आपका, और इस तरह का कुछ लोडिंग होगा, देख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पर आपको आ जाएगा थैंक यू 16-2 Terms and Conditions हीज बीन कम्प्लीट सक्सेसफुली बाय यू यर आधार कंडीशनर। उसके बाद आपको और कुछ इस तरह का लोडिंग होगा, उसके बाद प्लीज़ वेट लिख के आ जाएगा, योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस, कुछ प्रोग्रेस पर है, कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो शो कर दिया हमारा कंग्रेचुलेसन, मेरा जो कि अकाउंट में भी डिपॉजिट हो गया, देख सकते हो। कुछ ही सेकेंड लगा मुझे जो कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए, एक बार मैसेज आया देख सकते हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस बाय सब कुछ ओके। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। देख सकते हो मेरा लोन अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। यहाँ पर लोन अमाउंट लिखा गया है 50,000 रुपये, क्रेडिट टू यूर सेविंग करेंट अकाउंट जो भी है। उसके बाद मेरा जो कि अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेट भी देख सकते हो 19/10/2020 आज का डेट देख सकते हो। उसके बाद मेरा EMI मंथली कितना पड़ेगा और मेरा MI पेमेंट स्टार्ट डेट यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद जो भी है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वो शो कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद ट्रीमेंट जो कि यहाँ पर कितना मंथ का होगा वो यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि 60 मंथ का, और यहाँ पर शो कर रहा है देख सकते हो मेरा जो कि ब्रांच है वो ब्रांच शो कर रहा है वहाँ पर, आप भी देख सकते हो। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या आपने स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हो। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का लोडिंग होगा यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद लोडिंग होने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है आपको, क्योंकि हमारा अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया है, हमारा जो कि बैलेंस लोन अमाउंट है जो क्रेडिट हो गया है। उसके बाद आपको ओके करने के बाद इस तरह का कुछ लोडिंग होगा, फिर भी आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, कुछ इस तरह का लोडिंग होगा दोस्तों। उसके बाद आपका जो कि कंप्लीट हो गया, जो कि अपना लोन अप्रूव हो गया, उसका चलिए मैं इनबॉक्स में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो कि मेरा मैसेज आ गया है, जो कि इससे भी आया था। चलिए ये देख सकते हो दोस्तों, ऊपर में आया है ए लोन अकाउंट नंबर, उसके बाद ओपन टूडे फॉर RS 50,000। उसके बाद SBI ब्रांच कोड है यहाँ पर, इस पर यूआर रिक्वेस्ट प्लीज़ यहाँ पर कुछ लिखा गया। उसके बाद ऑन यूआर रिक्वेस्ट SI हिज बीन सेट अप इन अकाउंट, हिप नॉट रिक्वेस्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। उसके बाद वहाँ पर नीचे लिखा गया है यूआर अकाउंट क्रेडिट INR 15,000 ऑन 19/10/2020 डिपॉजिट बाय ट्रांसफर फ्रॉम श्री, जिसका कि मेरा नाम लिखा गया है वहाँ पर। तो उस तरह से आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह से आप अप्लाई करते हो तो, स्टेप बाय स्टेप देखकर आपका भी। कुछ ही मिनट बाद दोस्तों मैं आपको फ़ोनपे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट में अभी जो कि कितना बैलेंस है वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो कि मेरा योनो से भी चेक करके दिखाऊंगा और उसका ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट में कितने टाइम में और कितने डेट में क्रेडिट हुआ है, आपको जो कि थोड़ी सी भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पहले से 1,040 रुपये था, उसके बाद मेरा जो कि 50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ। तो चलिए अब हम योनो पर चल के हम देखते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो दोस्तों चलिए पहले हम योनो ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो योनो को हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा योनो ओपन हो रहा है देख सकते हो। तो हम यहाँ पर आपको बैलेंस भी दिखाएंगे और ट्रांजेक्शन भी दिखाएंगे आपको, क्रेडिट होने का वो ट्रांजेक्शन है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और अपना ID पासवर्ड डाल देते हैं। तो डाल दिया यार हमारा जो कि योनो ओपन हो गया, देख सकते हो बैलेंस भी 51,040 रुपये 12 पैसा है। उसके बाद आपको देख सकते हो जो कि ट्रांजेक्शन
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 19 अक्टूबर 2020 ट्रांसफर फॉर्म, यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, उसके बाद श्री, उसके बाद नेम लिखा गया है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, देख के देख सकते हो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया कुछ ही मिनट में। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का बैंकिंग रिलेटेड या लोन के बारे में रिलेटेड या सीएससी के बारे में रिलेटेड की कोई भी वीडियो चाहिए तो सर का वीडियो